सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉइस टेक। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं गेमिंग टेस्ट, और वो भी ब्रांड न्यू रियलमी 11 प्रो प्लस का। हमारा जो ये वेरिएंट है, ये कुछ इस कलर में आपको देखने मिल जाता है, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, 12 GB इंटरनल स्टोरेज है और जो एक्सटेंडेड रैम है वो 4 है। चलिए देखते हैं 24 GB वाले फ़ोन के अंदर हम गेमिंग टेस्ट करने वाले हैं। तो इसका इंटरनल स्टोरेज है वो 256 GB हमें देखने मिल जाता है। तो अगर आपको इसका डेडिकेट रिव्यू देखना हो तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो नॉइसटेक रियलमी 11 प्रो प्लस। तो जल्दी से फटाक से इसे कर लेते हैं रीस्टार्ट, और उसके बाद करते हैं इसके अंदर गेमिंग टेस्ट पबजी का। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, पबजी तो हमने स्टार्ट कर लिया है। इसके अंदर जो रिफ्रेश रेट है वो हाई पे सेट है, मतलब जो रिफ्रेश रेट हमें यहाँ पे देखने मिल जाता है वो 120 Hz का है। और अगर हम बात करें हमारे गेम के रिफ्रेश रेट की, तो हम देख लेते हैं ये भी बिल्कुल हाई पे है, तो मैं इसे और हाई अल्ट्रा हाई पे कर देता हूँ और उसके बाद हम खेल के देखेंगे। तो अभी हम यही वाली सेटिंग पे इसे स्टार्ट करते हैं। और अगर हम बात करें चार्जिंग की, तो 87% हमें चार्जिंग देखने मिल जाती है, और इसके अंदर जो गेम मोड मिल जाता है उसमें हमें और अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। और यहाँ से हम सिस्टम स्टेटस भी ऑन कर लेते हैं ताकि हमें अंदाज़ा चलते रहे कि क्या चल रहा है गेम में, और स्टार्ट करते हैं एक मैच। अब दोस्तों, एक चीज़ ये है आपको बताने वाली कि यहाँ पे दो बटन्स हैं और इधर है बहुत बड़ा सा कैमरा। तो अगर आप 4 फिंगर से खेल रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप जॉयस्टिक से खेल रहे हो तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो जॉयस्टिक आपको कुछ यहाँ पे लगानी पड़ेगी, बहुत दूर पे। और रही बात दूसरे की, तो ये तो बहुत इजीली आप कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हो, 34, 35। और बैक साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लेदर फिनिश हमें मिल जाता है, तो यहाँ पे भी 35.9 ये टेम्परेचर हमें देखने को मिल रहा है। तो हमें ज़्यादा ज़्यादा गेम खेलना है, इस वजह से मैं थोड़ा सा सेफ जगह लैंड करूँगा जहाँ पे हम ज़्यादा तक सर्वाइव कर सके। और यहाँ पे हम टाइमर भी अब स्टार्ट कर देते हैं हमारा, कि हमें अंदाज़ा हो जाए कि हम कितनी देर गेम खेल रहे हैं। Please recall me. Help. Help. Please recall me. तो दोस्तों, अभी 5 मिनट हुए हैं और मुझे एसएस तो उतना कुछ गर्म फ़ोन अभी लग नहीं रहा है। हल्का सा मुझे राइट साइड में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है, बाकी बॉटम साइड में इतना कुछ फील नहीं हो रहा है। तो भाई, ऑलमोस्ट 10-12 मिनट हो गए हैं, और 10-12 मिनट गेम खेलने के बाद हम देख लेते हैं कि टेम्परेचर 38 यहाँ पे शो हो रहा है, 38.4, और ये साइड में 41 जा रहा है, मतलब जो ऊपर का साइड है अप साइड। और अगर हम बैक की बात करें तो बैक में लेदर होने की वजह से 38 ही शो हो रहा है, और नीचे तो यहाँ पे 37 आ। और अगर हम कैमरा बम की बात करें तो कैमरा बम भी गर्म हो रहा है। तो ये 10 मिनट गेमिंग के बाद कुछ इतना आपको फ़ोन आपका गर्म हो जाएगा जब आप एसी कूलर सब ऑफ करके गेम खेलोगे। तो मैंने वापस एक रीमैच स्टार्ट कर लिया, अभी से भी 10-15 मिनट खेल लेते और देखते हैं कि अब इसके बाद अपना फ़ोन कितना गर्म होता है। बंदे आ गए,
recalling a teammate. Thanks. तो भाई 35 मिनट से मैं ऑलमोस्ट गेम खेल रहा हूँ, 35 मिनट से ज़्यादा हो गया वैसे मैं टाइम में, तो बाद में स्टार्ट तो गर्मियों का टाइम है और ऊपर से मैंने सब चीज़ ऑफ करके रखा है, बट फिर भी मेरा फ़ोन उतना गर्म नहीं हो रहा है, मुझे उतनी हीट फील ही नहीं हो रही है, ज़्यादा हीट नहीं होता है, ये बात अच्छी है। ओके दोस्तों, तो 40 मिनट हमने गेम खेला जो कि इतना अच्छा तो नहीं था, बट फिर भी देख लेते हैं अब हम टेम्परेचर क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई मतलब 43-45 के आसपास जा चुका है, और ये है 41 मतलब जो ऊपर साइड है यहाँ पे थोड़ा सा गर्म ज़्यादा होता है, और अगर हम कैमरा बम की बात करें तो ये भी 41 है, उसके नीचे अगर हम थोड़ा सा देख लें लेदर पे ये हमें 40 के आसपास देखने मिल जाता है, और अगर हम बॉटम में देखते हैं 39 में। तो भाई ऑलमोस्ट गेमिंग के लिए मैं तो बोलूँगा कि बहुत बेस्ट फ़ोन है, मतलब कोई लैग और कुछ भी हमें ऐसा देखने नहीं मिला, और बहुत ही स्मूथ गेम चल रहा था, ज़्यादा कुछ गर्म भी नहीं हुआ। तो अगर आप गेमिंग के लिए सोच रहे हो ये फ़ोन लेने के लिए, तो भाई मैं तो बोलूँगा, रिकमेंड करूँगा कि आप बिल्कुल ले सकते हो। और रही बात हमारी बैटरी की, तो बैटरी हम देख लेते हैं, पहले हम गेमिंग मोड से बाहर आ जाते हैं, तो अभी 72% है, जब हमने देखा था तो 87 कुछ आसपास थी, तो ज़्यादा बैटरी भी इसमें यूज़ नहीं हो रही, कंज्यूम नहीं हो रही, अब वो डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा हाई क्वालिटी पे इसे खेल रहे हो। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, आई होप आपको ये गेमिंग टेस्ट पसंद आया होगा। तो अगर इसका पूरा रिव्यू, डेडिकेट रिव्यू अगर आपको देखना हो, तो हमारे नॉइस टेक के चैनल पे, मेन चैनल पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे देख भी सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।